This is a big deal. This is a real big deal. I would like to thank those who worked with us to reach this founding step. It will be the most established this important economic corridor between India, the Arabian Gulf, and Europe. Economic integration ka prabhavi madhyam hoga. Main Saudi Arabia aur usme Middle East ke deegar mumalik bhi, India, Middle East, Saudi Arabia aur phir aage Europe. जो बाइडेन की बात करें, उन्होंने कहा कि दिस इज रियल बिग डील फॉर इंडिया, फॉर मिडल ईस्ट एंड फॉर यूरोप। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देखिए इसको, ये दिखाएं, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात, इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं, इंडिया मिडल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से हिस्टोरिकल ये इस तरह के फोरम्स होते हैं हमेशा, और खास तौर पे जब एक किसी वो बड़ी तब्दीली आ रही हो दुनिया में और इस तरह की कोई चीज हो तो फिर वो बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट बन जाता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की G20 समिट के आज पहला दिन खत्म हुआ और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के सामने आ गई। एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा और ज्यादा ट्रेड इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच होगी। इंडिया आने वाले टाइम के अंदर इस रोड इनिशिएटिव से चाइना को टक्कर दे सकता है। इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खत्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसमें मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक भी, इंडिया, मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और फिर आगे यूरोप, ये एक रेलवे रेल और आप समझें कि रोड्स, अब रोड्स का तो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा, मेरा ख्याल है कि इसमें पहले तो शिपमेंट्स होंगी जो जाएंगी यूएई किसी बंदरगाह तक, और फिर उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तक रेल, और फिर उसके बाद वो रेल जो है वो आ गई। अगर हम नक्शा दिखा दें, ये बात इंपॉर्टेंट है, मुझे एक मिनट देखिए इसको, ये दिखाएं, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इस बात, इसको अरब मेडिटेरियन कॉरिडोर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मुहिदा तय पाया है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इसमें जो है ना दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि इसमें इंडिया जो है वो इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। एक जमाने में जब वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बरे सगीर में मसाले ढूंढने के लिए, हाँ। तो वो यही रास्ता, ये रास्ता तो नहीं चल देते होंगे, वो मेरे ख्याल से पानियों के जरिए आते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी या डच कंपनी वगैरह, लेकिन बहरहाल ये वो ये कि यूरोप पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है, और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इसके ऊपर जो है वो इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादल आ गया। क्या ये वाकई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादल है? दोस्तों डिविडेंड्स आना शुरू हो गए हैं G20 के, और इंडिया का जो ग्लोबल एक्सपोजर था उस हवाले से, अमेरिका जिसने काफी अरसे पहले से ये सोच लिया था कि हमने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कैसे मुकाबला करना है, अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तो अमेरिकन वांट के उनके जो तहादी हैं उनको कुछ दिया जाए, तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं ये और प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं, और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट जिसे वो कहते हैं ना कि लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, और एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है आप समझ लें, इसके ऊपर काम हो रहा है, इसमें रेलवे नेटवर्क है जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा, शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खत्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा, और सऊदी अरेबिया और इसराइल के अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो ये रेलवे सिस्टम जो है ये इसराइल और इन ममालिक तक भी चला जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका, सऊदी अरेबिया, UAE और इसराइल, ये चार मुल्कों का एक I2U2 बना था। सऊदीज़ ने कहा था दी अमारातीज़ हैव बैकस्टैप्ड, अमेरिकन्स फेल्ट के हम अमारातीज़ को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, सऊदीज़ फील कर रहे हैं दी सऊदीज़ आर गोइंग इन चाइनीज़ ब्लॉक, दैट इज़ वाई दी ईरान इंडिया ईरान एंड सऊदी रिप्रोशमा भी चाइनीज़ ने करवाया था, एंड देन एक बड़े पैमाने पर इनके बायलैटरल डील्स भी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसका मुकाबला करने के लिए जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी डील सऊदी अरब को कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब और बाइडेन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात नॉर्मल हों। याद होगा बाइडेन साहब ने कहा था मैं सऊदी अरब को पराया स्टेट बना दूंगा, फिर मोहम्मद बिन सलमान ने और पुतिन ने मिलकर ओपेक के जरिए जो कीमत जो अपनी प्रोडक्शन ऑयल प्रोडक्शन कम की तो सारी दुनिया को जो है ना उन्होंने नींद आराम कर दी, प्लस ईरान रशियन ऑयल जो था उसकी सप्लाई पहले बंद की हुई थी, इंडिया उस सप्लाई से फ़ायदा लागू $40 बिलियन से ज़्यादा का जो तेल है वो ले गया। लेकिन आप देखिए ना, पाकिस्तान ने चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर में सहूलियत अख्तियार की, अमरीका ने कहा कि हम मिडल ईस्ट और इंडिया को कनेक्ट कर देते हैं,
अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिकी जो ऑफिशियल हैं वो जो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हैं वो इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं, और जो इंडियन और सऊदी जो एम्बेसीज हैं वाशिंगटन के अंदर वो भी इस पे काम कर रही हैं, सारे लोग इसके ऊपर लगे हुए हैं, और जिसमें ये समझ लें कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया सऊदी अमेरिका और सऊदी अरब के वो भी अच्छे होने वाले हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि द सऊदीज आर गोइंग टू बी बैक विद द अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ने समझ लिया कि हम सऊदी अरब को प्राय स्टेट नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जो जैक सुलिवन हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि हमने इस पे अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा असर सूख डाला है, और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया को वो जैसे वो कहते हैं ना रातों रात आजमानते लगे रातों रात, ठीक है जनाब, उन्होंने क्या पाया ना मुल्क है सानू, उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया और वो कहाँ से कहाँ ले गए। और अब आप ये देखें कि एक तरफ जो है वो क्या उसे बोलते हैं मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इंगेज हैं चाइना के साथ, एक तरफ उनके साथ इंगेज हैं, टेक्निकली बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान को ठंडा करने के लिए और इंडिया को मेन स्ट्रीम करने के लिए ये प्रोजेक्ट।